Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर कोरिया के बारे में तो हर कोई जानता है कि तानाशाह किम जोंग उन की वजह से देश दुनिया से कट गया है, लेकिन क्या आप जानते होंगे कि उत्तर कोरिया के अलावा भी एक ऐसा देश है जो दुनिया के हर देश से कटा हुआ है। इस देश का नाम है तुर्कमेनिस्तान। दरअसल तुर्कमेनिस्तान पिछले 28 साल से पूरी दुनिया से कटा हुआ है। ये भी उत्तर कोरिया की तरह ही तानाशाही है। मध्य एशिया में स्थित ये देश तुर्की देश है। इस देश को तुर्कमेनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये देश साल 1991 तक सोवियत संघ का एक घटक गणतंत्र था, लेकिन अब इस देश के लोग खुलकर नहीं बोल सकते और ना ही कहीं घूमने की उन्हें आज़ादी है। तुर्कमेनिस्तान की आबादी करीब 50 लाख है। साल 1991 में सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद सपरा मारूत नियाजोव में तुर्कमेनिस्तान की सत्ता संभाली। उसके बाद नियाजोव ने इस देश में तानाशाही शुरू कर दी। इसके चलते यहाँ के लोग अपने मूल अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे। तानाशाही का आलम ऐसा हो गया है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वो खुलकर बोल भी नहीं सकते। यहाँ मीडिया को लोग तो जैसे लोग जानते ही नहीं हैं और ना ही फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हर जगह आपको राष्ट्रपति के पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए जाएंगे। पूरी दुनिया से अलग थलग होने के बाद तुर्कमेनिस्तान दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हालांकि इस देश में लोगों को मुफ्त प्राकृतिक गैस सहित कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अपने नागरिकों को कानूनी रूप से सीमित अधिकार देने को लेकर के इस देश की हमेशा से आलोचना होती रही है। तुर्कमेनिस्तान में रहने वाले 67% लोग तुर्किश हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस देश के लोग बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं। यही वजह है कि लोग यहाँ के लोग अपनी गलियों में आते जाते हिंदी गाने बजाते नजर आएंगे। इसी के चलते यहाँ आज बच्चों को हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.